प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिकर्शन को। आइए हम लोग एक और फंक्शन छोटा सा बनाते हैं रिकर्शन के लिए। मान लीजिए कि आपको दो नंबर्स का जीसीडी निकालना है, तो जीसीडी कैसे निकलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे दो नंबर्स जो गिवन है, एक है 30 और एक है 55। मुझे इन दोनों नंबर्स का जीसीडी फाइंड करना है। अगर मुझे इन दोनों नंबर का जीसीडी फाइंड करना है, तो जीसीडी का मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे मैक्सिमम नंबर वो कौन सा है। तो हम दो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। जो पहला मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर बड़ा है उसमें से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 55 30 से बड़ा है, तो 55 में से हम 30 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सो दैट विल बी 25। अब हमारा 30 बड़ा है 25 से, तो हम 30 - 25 करते हैं और इसका आंसर आएगा 5। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 और यहाँ पे 25 रहेगा। इसके बाद 25 बड़ा है, तो 25 - 5 कर देंगे 20 आ जाएगा। 20 बड़ा है, अगेन 20 - 5 करेंगे 15 आ जाएगा। 15 बड़ा है, 15 - 5 करेंगे 10 हो जाएगा। 10 बड़ा है, 10 - 5 करेंगे 5 हो जाएगा। जब ए और बी दोनों इक्वल हो जाएं, तो इनमें से किसी भी एक वैल्यू को रिटर्न कर दीजिएगा, यही हमारा जीसीडी होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है, वो नंबर है 27 और जो दूसरा नंबर है वो है 81। तो ये ए है और ये बी है। बी ए से बड़ा है, तो आप बी को ए में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सो 81 - 27 आ जाएगा 54। अगेन बी ए से बड़ा है, तो आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए बी में से ए को, तो आप दोनों नंबर 27 हो गए। दोनों में से किसी को भी रिटर्न कर दीजिए, यही आपका जीसीडी होगा। तो इसको हम कैसे लिखें? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम बेस कंडीशन यहाँ पे बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं कि अगर ए इक्वल्स टू बी है, तो ए या बी में से कोई भी नंबर हमारा जीसीडी होगा। अगर मान लीजिए कि हम ए ग्रेटर देन बी हमें गिवन है, तो उस केस में हम जीसीडी फाइंड कर लेते हैं ए माइनस बी और बी का। और अगर ए लेस देन बी है या बी ग्रेटर देन ए है, उस केस में हम जीसीडी फाइंड कर लेंगे ए कॉमा बी माइनस ए का। सो हमारे पास जो जीसीडी हम फाइंड कर रहे हैं, वो फाइंड कर रहे हैं इस तरह से, जिसमें हमने रिकर्सिवली ये डिफाइन कर दिया है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम जीसीडी फाइंड कर लेंगे ए माइनस बी और बी का, और अगर ए लेस देन बी है मतलब बी ग्रेटर देन ए है, तो जीसीडी फाइंड कर लेंगे ए और बी माइनस ए का। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जीसीडी 30 और 55 का फाइंड कर रहे हैं, सो दैट विल बी सेम एज द जीसीडी ऑफ 30 एंड 25। सिमिलरली दैट विल बी सेम एज द जीसीडी ऑफ 5 एंड 25। सिमिलरली दैट विल बी सेम एज जीसीडी ऑफ 5 एंड 20। दैट विल बी सेम एज जीसीडी ऑफ 5 एंड 15। दैट विल बी सेम एज द जीसीडी ऑफ 5 एंड 10। दैट विल बी सेम एज द जीसीडी ऑफ 5 एंड 5, विच इज द बेस कंडीशन, एंड वी विल रिटर्न 5 इन दैट केस। सिमिलरली अगर हम जीसीडी फाइंड कर रहे हैं 27 और 81 का, सो दैट विल बी सेम एज द जीसीडी ऑफ 27 एंड 54, एंड दैट विल बी सेम एज द जीसीडी ऑफ 27 एंड 27, विच इज कमिंग एज द बेस कंडीशन एंड वी विल रिटर्न 27। तो आइए इसको हम कोड के फॉर्म में लिखते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा जीसीडी। सो पहले हम इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं जीसीडी। तो लेट्स से जीसीडी इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और ए और बी का आप जीसीडी फाइंड कर रहे हैं। दो तो नंबर ए और बी आपने यूजर से इनपुट करा लिया है और आपने जीसीडी फाइंड करना है। एक्स आएगा जीसीडी और एक्स को हम प्रिंट कर देंगे। तो सबसे पहले हम बेस कंडीशन लिखते हैं कि अगर ए इज इक्वल टू बी है, तो आप रिटर्न कर दीजिए ए या बी में से कोई भी, यही आपका जीसीडी होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर ए और बी इक्वल नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ए ग्रेटर देन बी है या बी ग्रेटर देन ए है। अगर ए ग्रेटर देन बी है, तो आप रिटर्न कीजिए जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी, अदरवाइज आप रिटर्न कीजिए जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी माइनस ए। फाइन, तो ये हमने एक रिकर्सिव फंक्शन बना लिया और इस तरह से हमने जीसीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेस्टेड नंबर्स पे ही हम पहले टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स से हम 30 और 55 का जीसीडी फाइंड करते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि 30 और 55 का जीसीडी 5 है। दूसरा आपका नंबर था 27 एंड 81, इसका जीसीडी 27 है। एक रैंडम नंबर हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। लेट्स से हमें जीसीडी फाइंड करना है 12 और 69 का, तो इसका जीसीडी 3 होगा। 3 ही ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा, और 3 इज द लार्जेस्ट नंबर।
तो हमने एक मेथड से जीसीडी देख लिया, अब हम दूसरे मेथड से भी जीसीडी चेक करते हैं। फाइन, तो हमने नंबर वही पिक कर लेते हैं, ए और बी 30 एंड 55। क्योंकि बी ए से बड़ा है तो हम कंप्यूटेशन करते हैं बी मॉड्यूलस ए, तो बी मॉड्यूलस ए करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। सिमिलरली ए ग्रेटर देन बी अब हुआ तो हम फाइंड करते हैं ए मॉड्यूलस बी, मतलब ए को रिप्लेस कर रहे हैं ए मॉड्यूलस बी से। यहाँ हमने बी को रिप्लेस किया था बी मॉड्यूलस ए से, सो 30 मॉड्यूलस 25 विल बी 5। इसके बाद चूंकि 25 बड़ा है 5 से, बी बड़ा है ए से, तो हम बी को रिप्लेस करेंगे बी मॉड्यूलस ए से, तो 25 मॉड्यूलस 5 आ जाएगा 0। और अगर बी 0 आ गया है तो ये वाला जो नंबर मेरा है ए, यही मेरा जीसीडी होगा। तो यहाँ आपने देखा कि जो भी नंबर छोटा होता है, सॉरी ये जो हमने देखा कि जिसमें कि जिस भी केस में 0 आ गया उसी केस में हम बेस कंडीशन मान लेते हैं कि ये है। तो अगर ए 0 आ गया है तो हम मान लेंगे कि बी जी सी डी है, और अगर बी 0 आ गया है तो हम मान लेंगे कि ए जी सी डी है। दूसरा एग्जाम्पल एक पिक करते हैं, लेट्स से हम 26 एंड 59, इनका जी सी डी फाइंड करते हैं। तो चूंकि 59 बड़ा है 26 से, तो हम मान लेते हैं कि 59 मॉड्यूलस 26 करेंगे, तो दैट विल गिव यू 33। 33 बड़ा है 26 से, तो 33 मॉड्यूलस 26 करेंगे, ये आएगा। फिर 26 मॉड्यूलस 7 करेंगे क्योंकि 26 बड़ा है 7 से। देन 7 मॉड्यूलस 5 करेंगे, इट मीन्स कि 2 आ जाएगा इस केस में। फिर 5 मॉड्यूलस 2 करेंगे, जिस केस में ये 1 आ जाएगा। एंड देन 2 मॉड्यूलस 1 करेंगे जिससे ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब 1 ही मेरा जीसीडी होगा। तो 1 जीसीडी होने का मतलब क्या है कि इसको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता 26 और 59। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि जीसीडी हम फाइंड कर रहे हैं 33 का विद 69। सो 33 और 69 में 69 बड़ा है तो 69 मॉड्यूलस 33 करेंगे, सो दिस विल गिव यू 36। देन 36 बड़ा है 33 से, तो 36 मॉड्यूलस 33 करेंगे, दैट विल गिव यू 3 आंसर। नाउ 33 बड़ा है 3 से, तो 33 मॉड्यूलस 3 करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड करेगा, और 3 मेरा यहाँ बी में बचेगा और बी ही मेरा जी सी डी होगा। तो अगर ए 0 हो गया तो बी जी सी डी है, अदरवाइज अगर बी 0 हो गया तो ए जी सी डी होगा। अगर मान लीजिए कि दोनों केस नहीं है और अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आपको जी सी डी फाइंड करना होगा ए मॉड्यूलस बी कॉमा बी का, और अगर बी ग्रेटर देन ए है तो उस केस में आपको जी सी डी फाइंड करना होगा ए कॉमा बी मॉड्यूलस ए। आइए इसको रन करके देखते हैं, कंडीशंस को चेंज कर देते हैं कि अगर ए 0 हुआ, इस केस में हमारे पास दो बेस कंडीशन है, अगर ए 0 हुआ तो हम बी रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज अगर बी 0 हुआ तो हम ए रिटर्न कर देंगे, और अदरवाइज ना ही ए 0 है ना ही बी 0 है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो जी सी डी हम फाइंड करेंगे ए मॉड्यूलस बी का बी के साथ, और अदरवाइज मतलब कि बी बड़ा है कि ए से, तो हम फाइंड करेंगे मॉड्यूलस ए और बी मॉड्यूलस ए का। रन करके देखते हैं, सबसे पहले 33 और 69 का जीसीडी फाइंड करते हैं, सो यू कैन चेक द आंसर इज 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम जीसीडी चेक कर रहे हैं 54 और 36 का, इस केस में 18 जीसीडी होगा, 18 थ्री जा 54, 18 टू जा 36, तो 18 इज द जीसीडी। इसे जीसीडी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, और मान लीजिए कि मुझे एलसीएम फाइंड करना है दो नंबर्स का, तो ए और बी मुझे नंबर्स गिवन है, हमने जीसीडी फाइंड किया, जीसीडी को तो प्रिंट कर ही लिया,
एक मैसेज के थ्रू जीसीडी पेंड कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मुझे एलसीएम फाइंड करना है तो एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि नंबर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू जीसीडी इनटू एलसीएम। ये मेरा फॉर्मूला है। तो अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा कि एलसीएम एक वेरिएबल है जो मुझे फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे एलसीएम को क्या कहेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई जीसीडी। अगर ए इंटू बी इज इक्वल्स टू जीसीडी इंटू एलसीएम है तो एलसीएम विल बी इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन जीसीडी। यही काम हम यहाँ पे करते हैं कि एलसीएम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड विद बी डिवाइडेड बाई एक्स जो कि हमारा जी सी डी है। एंड फाइनली हम एलसीएम को प्रिंट करते हैं। फाइन, चूंकि हमने एक्स प्रिंट किया है पहले, तो हम एक न्यू लाइन से सेग्रीगेट कर देंगे एलसीएम को। तो ये रन करके देखते हैं। लेट्स से हम 54 और 36 का एलसीएम और जीसीडी फाइंड कर रहे हैं। सो एलसीएम इसका है 108 और जीसीडी इसका है 18। फर्दर रन करते हैं इसको एक और एग्जांपल के लिए। लेट्स से हम 35 और 105 का जीसीडी और एलसीएम टेस्ट कर रहे हैं। सो इसका जीसीडी होगा 35 और एलसीएम होगा 105। आप टेस्ट कर सकते हैं किसी और भी नंबर्स के लिए। आइए एक और नंबर के लिए हम इसको टेस्ट करते हैं। लेट्स से हम टेस्ट कर रहे हैं 44 और 110। सो द जीसीडी इज 22 एंड एलसीएम इज 220। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।